अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर टेक। मैं करता हूँ, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी अर्से के बाद इस चैनल के ऊपर बैक हुए हैं, तो हमारा भी वेलकम बैक है इस चैनल के ऊपर दोबारा। और अब उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अब मैं रोज़ की रोज़ वीडियो निकालूँ और आप लोगों को नए से नए मोबाइल की अपडेट देता रहूँ। और आज जो मोबाइल हम आपके लिए लेके आए वो नोकिया की तरफ से है। नोकिया बटन वाला नहीं है, ये टच मोबाइल है नोकिया का। और नोकिया इस टाइम पूरी तरह डिजिटल साइड पर आ चुकी है। अब उसने बटनों वाले मोबाइल बनाना तो छोड़े नहीं है, लेकिन टच मोबाइल्स की तरफ भी वो लोग रुझान करने लग पड़े हैं। और ऐसा ऐसा करते हैं इन्होंने एक सीरीज 3.4 इस आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करेंगे इसको, कुछ लोग और ज़्यादातर लोग इसको 3.4 के नाम से जानते हैं, नोकिया 3.4। और काफ़ी ज़बरदस्त मोबाइल है इसी सीरीज के अंदर। अगर पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल नोकिया ने निकाले हैं, लेकिन इस टाइम का ये नोकिया का लेटेस्ट मोबाइल है नोकिया 3.4। इसको कोई नोकिया 20 के नाम से भी ये लोग इसको ब्लॉग कहते हैं। और बाकी ही हम लोग इसके जो स्पेक्स हैं उसको देखेंगे। और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा इसी सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा मोबाइल आ चुके हैं, 3.2, उसके बाद 2.9, 2.8, 2.4 ऐसी सीरीज़ आ चुकी है। तो ये मोबाइल इस टाइम का लेटेस्ट मोबाइल है। और ये मोबाइल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी, यानी कि कहते हैं ना, इस टाइम मार्केट के अंदर मोबाइल नहीं है। और वैसे भी हुकूमत ने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से मोबाइलों की जो उनसे मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जा रही है और मोबाइल मार्केट में मिल ही नहीं रहा। और इस टाइम ये मोबाइल तकरीबन द्राज के ऊपर अवेलेबल है। और आप लोगों को इसका मैं सारा लिंक भी दे दूंगा, कौन सी जगह से आप लोग, कौन सी जो शॉप है द्राज के ऊपर, उसके ऊपर से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अपने रिव्यू को शुरू करते हैं और देखते हैं मोबाइल को कि किस स्पेक्स और किस इन्फॉर्मेशन और किस डिज़ाइन के साथ मार्केट में लॉन्च किया नोकिया ने, और क्या क्या चेंजेस बटनों वाले मोबाइल से टच मोबाइल में किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर इसका फ्रंट कैमरा का डिज़ाइन देख सकते हैं। 5 होल कैमरा दिया गया और एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। और इसका बेजल नीचे जो बेजल है इसके जो सा नीचे बेजल है उसके ऊपर आप लोगों को नोकिया लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और काफ़ी ये जो सा नीचे वाला बेजल इतना कोई बड़ा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन की जगह नहीं रोकता, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्क्रीन और डिज़ाइन के साथ मार्केट में लॉन्च किया है इन्होंने। और ये पीछे जो सा ये गोल सर्कल के अंदर इन्होंने ये 3 कैमरे इंस्टॉल किए हैं और एक फ्लैश लाइट है, और 4 टोटल हॉल इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और सर्कल शेप के अंदर इन्होंने कैमरा डिज़ाइन प्रोवाइड किया है, और रियर फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो मोबाइल ऑल ओवर एक अच्छा पैकेज आप लोगों के लिए है 20,000 के अंदर, 25,000 के अंदर। जैसे जैसे आप लोग इसकी मेमोरी इंक्रीज़ करेंगे वैसे इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो मोबाइल जिस मोबाइल की मैं इस टाइम रिव्यू दे रहा हूँ, ये आज तकरीबन 29 अगस्त 2022 का ये वीडियो बन रही है। और इस वीडियो के जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस टाइम इसकी प्राइस जो है 18 से लेके 19 से लेके ये 21,000 के अंदर अंदर ये प्राइस हमें प्रोवाइड की गई है। और ये 64 GB 4/64 का ये है जो मोबाइल है उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद इसकी हम इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं। नोकिया 3.4 है, 6.39 इंच इसकी स्क्रीन है, और फुल HD इधर बताया गया लेकिन है नहीं है, 720p है, ठीक है। डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया गया काफ़ी ज़बरदस्त था। उसके बाद 4/64 हमें मेमोरी एज यूज, और उसके बाद 4000 mAh बैटरी। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी 5000 mAh बैटरी नहीं दी गई, नोकिया ने 5000 mAh बैटरी नहीं दी हमें, यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है 4000 mAh बैटरी हमें प्रोवाइड की गई है। और ये मोबाइल इस टाइम द्राज के ऊपर अवेलेबल है, ब्रांड इसका नोकिया में यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसके बाद हम इसकी प्राइस बात कर लेते हैं, 19,999 रुपीज़ है, और ये तकरीबन 20,000 बन जाता है। और आने वाले कुछ दिनों तक ये प्राइस इंक्रीज़ भी कर सकती है, क्योंकि पीछे ये देखें यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आप लोगों को शॉप का वो लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, जहाँ पर ये अवेलेबल होगा वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम इसके यहाँ पे स्पेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। स्क्रीन जिसका इसका जो स्क्रीन साइज है वो 6.39 इंच हमें प्रोवाइड किया गया, और फुल HD यहाँ पे लिखा है लेकिन है नहीं है, 720p इसका रेजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम इसके OS की बात कर लेते हैं, Android 10 OS के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया, लेकिन ये मार्केट के साथ साथ अपडेट कर दिया गया एंड्रॉयड 11 के ऊपर, ये खुद ब खुद अपडेट हो गया। और इसका जो सब प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर चिपसेट है, क्वालकॉम SM42 4250 स्नैपड्रैगन का ये चिपसेट इसके अंदर हमें लगाया गया, 460 चिपसेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को एक गेमिंग में जो सी गेमिंग फीलिंग है, अच्छी गेमिंग फीलिंग है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बैटरी की बात कर लेते हैं, 4000 mAh बैटरी है और नॉन मूवेबल है, वो तो हम हर मोबाइल के अंदर आजकल आ रही है। मेमरी इसकी 4 GB रैम है, और स्टोरेज इसकी 64 GB रोम है। उसके बाद कनेक्टिविटी इसके अंदर 4.2 कॉम्बो ब्लूटूथ वाईफाई 802.11
11 हॉटस्पॉट इसका अंदर प्रोवाइड किया गया है, जीपीएस एनएफसी। ये जो मोबाइल है इसके अंदर यही स्पेक्स वगैरह हमें प्रोवाइड किए गए हैं, इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। और ये फिर मैं आप लोगों को बता दूं, ये मोबाइल द्रास के ऊपर अवेलेबल होगा अगर होगा, वरना मार्केट के अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि ये मोबाइल अवेलेबल हो, क्योंकि पहले ही जो से लेटेस्ट मोबाइल है वो मार्केट के अंदर नहीं आ रहे, और जो पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं मार्केट के अंदर से। और बाकी आज हमने इसका नोकिया का रिव्यू आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि कहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं, और 18,000 से 21,000 के अंदर आप लोग कौन सा अच्छा मोबाइल ले सकते हैं कि आप लोगों की तकरीबन 2-3 साल निकाल दें, क्योंकि हर जितने भी इस टाइम चाइना की तरफ से मोबाइल आ रहे हैं, क्या ये चाइना वगैरह जितने मोबाइल निकाल रहा है और ये ज़्यादा देर नहीं निकालते, लेकिन कुछ मोबाइल निकाल देते हैं, लेकिन ये लोग ये मोबाइल ज़्यादा देर नहीं निकालते। बाकी इसके अंदर सारा कुछ आप लोगों को बॉक्स के अंदर काफ़ी काफ़ी यानी कि इसका कवर भी आप लोगों को इसके अंदर ही मिल जाएगा, चार्जर भी इसके अंदर मिल जाएगा, 10 वाट का इसका चार्जर है, टाइप सी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बाकी और एक मोबाइल हम लेके आ रहे हैं वो शायद आईफोन की तरफ से होगा, और वो आप लोगों को फिर वीडियो के अंदर पता लग जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।